जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कबर ऑयल प्रीस्ट। तो आज हम इधर बात करने वाले डिड गॉड सेंड सिकनेस इन ओल्ड टेस्टमेंट। क्या परमेश्वर ने सच्ची में ये जो बीमारी रोगों को लोगों के ऊपर खुद से डाला था। अगर हम पढ़ते हैं जो पुराने नियम में, हम एक दो तीन नहीं लेकिन बहुत सारे मल्टीपल प्लेसेस में वी कैन सी दैट परमेश्वर, मतलब लोग जब भी परमेश्वर का बात नहीं मानते, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानते है, परमेश्वर उनके ऊपर बीमारी डालता है, परमेश्वर उनके ऊपर गरीबी डालता है, परमेश्वर उनको सत्यानाश करता है, परमेश्वर उनको बिगाड़ता है। हम बहुत देखा है परमेश्वर ने उनके ऊपर बीमारी डाला, परमेश्वर उनके ऊपर गरीबी डाला, परमेश्वर उनके ऊपर नाश लिखा है, परमेश्वर उनको नाश कर दिया, परमेश्वर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने ऐसा बहुत सारा जगह पे ओल्ड टेस्ट में हमें पढ़ा रहेगा, राइट। लेकिन सच में ऐसा है क्या? क्योंकि हमने बहुत से प्रीचिंग भी सुना इसके बारे में, जब भी आप कोई गलत काम करोगे, जब भी आप कोई गलत काम करोगे, कुछ रॉन्ग करोगे, इफ यू गो आउट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, गॉड आपको पनिश करेगा, गॉड आपके ऊपर बीमारी डालेगा आपको रास्ते में लेके आने के लिए, गॉड आपके ऊपर गरीबी डालेगा आपको रास्ते में लेके आने के लिए, गॉड आपको फैमिली को नाश करेगा, आपको नाश करेगा ताकि आपको उसके ऊपर टर्न करने के लिए। ऐसा बहुत से हमने प्रीचिंग बचपन सुन के आया, लेकिन क्या ये सच है? इसके लिए हम जानने के लिए जाएंगे बाइबल का ओरिजिन। बाइबल का ओरिजिन लैंग्वेज जो है कौन सा है? हिब्रू। ओल्ड टेस्टमेंट लिखा गया था हिब्रू में और न्यू टेस्टमेंट लिखा गया था ग्रीक में, ठीक है। हिब्रू बाइबल में कहीं पे भी, नॉट इन वन प्लेस, एक भी जगह पे ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर बीमारी डाल देगा, डाल दिया, परमेश्वर ने उनके ऊपर बीमारी डाला, परमेश्वर ने उनके ऊपर गरीबी डाला, परमेश्वर ने उनके ऊपर नाश लिखा है, परमेश्वर ने उनको नाश कर दिया। वैसे हिब्रू बाइबल में कहीं पे भी एक भी जगह पे नहीं लिखा है। हाँ, आपने सही सुना, जो ओरिजिन लैंग्वेज हिब्रू बाइबल है वहाँ पे एक भी जगह पे परमेश्वर ने उनके ऊपर गरीबी डाला, परमेश्वर उनके ऊपर बीमारी लेके आया, परमेश्वर ने उनके ऊपर नाश कर दिया, वैसा कहीं पे भी लिखा नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हिब्रू में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने बीमारी को अलाउ किया, परमेश्वर ने गरीबी को अलाउ किया, परमेश्वर ने वो नाश को, डिस्ट्रक्शन को, गॉड अलाउ इट, वो भी नॉट इवन एक्टिवली, परमेश्वर ने एक्टिवली, मतलब हिंदी में को वर्ड मिल रहा नहीं है, इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आपको आई होप मोस्ट ऑफ इंग्लिश पता है आपको, समझा लेकिन समझ आ रहेगा ग्रामर। गॉड डिडंट अलाउड इट इवन एक्टिवली बट पैसिवली, परमेश्वर ने बीमारियों को, गरीबों को उसने अलाउ किया, क्योंकि परमेश्वर ने, देखो परमेश्वर के पास बीमारी देने के लिए नहीं है, परमेश्वर अपन गरीबी नहीं देने के लिए, परमेश्वर अच्छा, परमेश्वर ही इज़ गुड, उसके पास अच्छा ही है, बुरा देने के लिए नहीं है उसके पास। हिब्रू पढ़ेंगे, बाइबल बोलते हैं, हिब्रू बाइबल बोलते हैं कि परमेश्वर ने अलाउ किया, क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं कि जब भी परमेश्वर बोलता है कि अगर आप लोग ने मैंने जो आज्ञा व्यवस्था दी है आपके ऊपर, ये जो है, ठीक है, अभी हमें सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। जब तक आप परमेश्वर, ठीक है, एक मिनट, ठीक ओके, मैं पकड़ लेता हूँ। जब तक आप परमेश्वर के आज्ञा मानकर चलते हो, आप परमेश्वर के, जो बोलते ना गॉड्स प्रोटेक्शन हैंड, जो परमेश्वर आपको, आप परमेश्वर के प्रोटेक्शन के अंदर रहते हो, लेकिन आप जैसे ही परमेश्वर के आज्ञा के बाहर जाते हो, परमेश्वर की विल के बाहर जाते हो, परमेश्वर के, यू डू समथिंग आउट ऑफ वर्ड, यू ऑटोमेटिकली कम आउट ऑफ दी गॉड्स प्रोटेक्शन हैंड, बिकॉज ऑफ विच गॉड इज फोर्स टू अलाउ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑन यू पैसिवली। हिंदी में मैं बोलने की कोशिश करता हूँ इस सेंटेंस को, ठीक है। आप जब भी परमेश्वर के आंसर चलते हो, परमेश्वर को बात सुनते हो, आप परमेश्वर के, परमेश्वर के बोलते ना क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन के अंदर रहते हो, लेकिन जब भी आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ कुछ करते हो, परमेश्वर के विल के खिलाफ करते हो, उसकी इच्छा के बाहर कुछ करते हो, कुछ गलत करते हो, आप खुद, ठीक है, आप खुद अपने आप परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर आते हो, जिसके वजह से परमेश्वर को मतलब ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट को आपके ऊपर आने के लिए अलाउ करना पड़ता है। वैसे ही हिब्रू में लिखा है, पर जब आप कुछ गलत काम करते हो, परमेश्वर आपके ऊपर बीमारी नहीं डालता, लेकिन जब कुछ गलत काम करते हो, आप खुद परमेश्वर के सुरक्षा के बाहर, आप खुद से बाहर जाते हो, जिसकी वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस,
उसके 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 परिणाम को परमेश्वर को आपके ऊपर आने के लिए अलाउ करना पड़ता है। परमेश्वर आपके ऊपर बीमारी नहीं डालता है, परमेश्वर आपके ऊपर गरीबी नहीं डालता है, लेकिन परमेश्वर बीमारियों को, गरीबों को, गरीबों का डिस्ट्रक्शन को गॉड अलाउ करता है। तो वह पूछते थे बीमारी तो आता कैसे? डेफिनेटली सेटन, अगर हम बाइबल पढ़ेंगे हम समझते हैं कि वेन एवर यू डू समथिंग आउट ऑफ वर्ड यू ओपन द डोर टू सेटन। इवन पॉल बोलता है कि डोंट गिव प्लेस टू सेटन, पर तू सतमा को तू जगह मत दे, ऐसे बोलते हैं। मतलब जब भी हम कुछ गलत काम करते हो, हम क्या करते हैं, हम दुष्ट आत्मा को हम जगह देते हैं। जब भी हम कुछ गलत करते हो, जब भी हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ कुछ करते हैं, तब क्या होता है, हम परमेश्वर के सुरक्षा के बाहर आते हैं और हम दुष्ट आत्मा को, शैतान को हम जगह देते हैं हमारे लाइफ में आगे कुछ करने के लिए। इसी कारण हमारे लाइफ में कभी कभी हमारे पापों के हम कुछ गलत करते हुए, वॉट एवर वी सो वी शैल रीप, राइट। हम कुछ गलत करते हैं तो उससे कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, हम परमेश्वर की सुरक्षा के बाहर आते, हम शैतान को कुछ जगह देते, जिसकी वजह से शैतान हमारे लाइफ में कुछ भी गड़बड़ करके चल जाता है। परमेश्वर हमारे लाइफ को नहीं बिगाड़ता, परमेश्वर अलाउ करता है। अलाउ करना ही पड़े क्योंकि गॉड बोलता है, मैं ये जो बोला हूँ आप ये सब मान कर चलिए, आप मैं आपको बता सुरक्षित रखूँगा। लेकिन हम क्या, हम ये बता वी नॉट परफेक्ट, हमको कभी कभी थोड़ा चर्बी आ जाता है लाइफ में, तो कब कुछ गलत करते हैं, हम खुद से परमेश्वर के सुरक्षा के हाथ से बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से चेतन जो बीमारी, गरीबी, फैमिली में झगड़ा, जो भी कुछ बुरे चीज़ है डालता है, परमेश्वर को अलाउ करना पड़ता है, क्योंकि वो आपका सेल्फ विल, आपका खुद की इच्छा है, आपने ही उसको चूज़ किया है। परमेश्वर बोलता है कि चूज़ ब्लेसिंग और कर्स, आपने ही इस समय में अपनों गलत है उसको चूज़ किया है। परमेश्वर ने आपको बीमार नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अलाउ किया और आपने उसको चूज़ किया है, ठीक है। वैसे ही हिब्रू में लिखा है, हिब्रू में कई बार ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपके ऊपर बीमारी डाल दिया, परमेश्वर ने आपके ऊपर गरीबी डाल दिया, परमेश्वर ने आप उनके ऊपर नाश डाल दिया, परमेश्वर उनको नष्ट कर, ऐसे हिब्रू बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा है, ठीक है। तभी आपको सवाल लगा, ठीक है तो ऐसा लिखा है तो बाकी इंग्लिश में, बाकी जो लैंग्वेज ऐसे क्यों लिखा है? इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि जब बाइबल ट्रांसलेशन हो रहा था उस समय में इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो बहुत इंग्लिश और बहुत से मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। फिर से बोलता हूँ, जब बहुत पहले हिब्रू, ग्रीक, रोम, लैटिन, ये चार भाषा जो है, चार भाषा ही बहुत ही सुप्रीम लैंग्वेज, बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज था, बहुत ही वही हमेशा टॉप में इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। उसके बाद स्पैनिश बना वर्ल्ड का फर्स्ट कॉमन लैंग्वेज, उसके बाद इंग्लिश आया, अभी इंग्लिश इज़ रूलिंग द होल वर्ल्ड। मतलब उस समय में इंग्लिश बड़ा लैंग्वेज नहीं था, उस समय में इंग्लिश वॉज अ वेरी इमेच्योर लैंग्वेज, पता तभी इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हो रहा है। मतलब अभी उस समय में बहुत सारे, अभी जो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, उस समय में तो वो बहुत सारे वर्ड्स थे भी नहीं, समझ रहे हो? मतलब फिर से बोलता हूँ, जब बाइबल जो हिब्रू में है, ग्रीक में है, उस बाइबल को जब इंग्लिश में और बाकी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा रहा था, उस समय में इंग्लिश और जो बाकी भाषा है उस समय में मैच्योर नहीं था, उस समय में डेवलप्ड नहीं था, इसीलिए इंग्लिश में उस समय में बहुत सारे ग्रामर नहीं था, बहुत सारे वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल रैप्चर, सिंपल वर्ड रैप्चर लेते, रैप्चर जो वर्ड है हमने ही बाइबल से इन्वेंट कर किया है, रैप्चर करके। इंग्लिश में एक्चुअली कोई रैप्चर करके वर्ड है ही नहीं, लेकिन हमने वो रैप्चर को, रैप्चर के लिए कोई इंग्लिश में वर्ड, लेकिन हमने खुद से क्रिएट, बाइबल से रैप्चर वर्ड क्रिएट हुआ है। वैसे उस समय में ये कि नहीं, बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में थे ही नहीं, बहुत सारे ग्रामेटिकल सेंस इंग्लिश में था ही नहीं, लेकिन जिसके बाद इंग्लिश और थोड़ा फैला, इंग्लिश मैच्योर हुआ, इंग्लिश डेवलप हुआ, उसके बाद अभी इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड दी मोस्ट कॉमन लैंग्वेज हमारा देश, हमारा पूरा दुनिया का। अभी इंग्लिश मैच्योर, इंग्लिश में बहुत इंग्लिश से डेवलप लैंग्वेज, उस समय में इंग्लिश डेवलप्ड लैंग्वेज नहीं था, जिसके कारण जब हिब्रू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा था, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स मिसिंग था, बहुत सारे ग्रामेटिकल सेंस मिसिंग था, इसीलिए उनको
हिब्रू में क्या लिखा था, परमेश्वर ने अलाउ किया बीमारियों को, उनको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा परमेश्वर ने खुद से बीमार डाल दिया, वैसा उनको लिखना पड़ा बिकॉज ऑफ सम लैंग्वेज बैरियर्स दे वर फोर्स टू राइट इन इन दीज थिंग्स। तो वही था, तो पूरा कंक्लूजन यही है कि पुराने नियम में पढ़ेंगे हिब्रू में वहीं पर कहीं पर ऐसे नहीं है, परमेश्वर ने बीमारियों को नाश को गरीबों को गरीबी को अलाउ किया दैट टू पैसिव नॉट एक्टिव, वो भी आपके खुद उनके जो उन लोगों के खुद के चॉइस है, जब उन लोग कुछ गलत काम करते हैं वो लोग खुद परमेश्वर के सुरक्षा से बाहर निकलते जिसकी वजह से वो दुष्टात्मा को जगह देते वो आके कुछ डाल देता है। ठीक है, यही ऐसा लिखे हिब्रू लैंग्वेज में, और इंग्लिश में ऐसे क्यों लिखा बिकॉज इंग्लिश बहुत से लैंग्वेज में क्योंकि लिखी उस समय में जो लैंग्वेज है डेवलप नहीं हुआ था, उनमें बहुत सारे वर्ड मिसिंग थे, बहुत सारे ग्रामेटिकल सेंस मिसिंग था, इसीलिए उनको ऐसा लिखना पड़ा। थैंक यू दैट्स वंडरफुल, आई बिलीव आपको वीडियो से कुछ नॉलेज मिला रहेगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू कमेंट एंड टेल कमेंट बताओ कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू एंड लव नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।